हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज हम कच्चे केले के एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स बनाएंगे, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम कच्चे केले को इस तरह से एकदम पतले पतले करके काट देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से धोकर इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब इसके लिए हम एक बैटर बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब थोड़ा सा हम जीरा और धनिया का पाउडर डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे, बस 2 पिंच। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाएंगे। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, फिर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से होना चाहिए। अब इस तरह से हम केले को अच्छी तरह से कोट करके हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही इसको फ्राई करेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हम इसको इस तरह से एक एक करके डाल देंगे। अब हम इसको उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। जब दोनों साइड की थोड़ी सी गोल्डन कलर की हो जाए, तब हम इसको निकाल देंगे। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। एक बार बनाइए, आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस तरह से हम उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। अब ये हो गई है, अब हम इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े को फ्राई करके निकाल दिया है। अब रेडी है, बहुत ही गर्म है, देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। केले एकदम अच्छी तरह से कुक हो गई है और देखिए कितनी फुली फुली बनी है, बहुत ही बढ़िया बनती है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया बनती है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए।